हेलो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ बिहार की। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जियोग्राफी ऑफ बिहार से, वो आपका क्वेश्चन आता है कि नेपाल से बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लॉन्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, झारखंड से कितने आपके डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, और वेस्ट बंगाल से कितने टच करते हैं, यानी यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, इसके बारे में बात करें। उसके बाद जो बुक में आपका जो सॉइल के बारे में दिए हुए है, बिहार की मिट्टी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए बिहार का जो बाउंड्री है नॉर्थ में, जो एक ही कंट्री से टच करता है, वह है आपका नेपाल से। इसमें जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल से जो टच करते हैं, वो आपका है 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल बॉर्डर से आपके टच करते हैं। एंड बिहार का जो बॉर्डर है नेपाल से, वो आपका कितना है, 726 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है आपका। इतना किलोमीटर जो बिहार का जो बाउंड्री है वो नेपाल से टच करता है और 7 डिस्ट्रिक्ट से टच करते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसका है बिहार से, कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री टच करता है आपका नेपाल से, तो आपका है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करता है आपका नेपाल से। एंड जो आपका सबसे जो शॉर्टेस्ट है जो है, वो आपका सुपौल हो जाएगा। सुपौल डिस्ट्रिक्ट जो भी है, वो आपका नेपाल से सबसे कम टच करता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट नाम याद रख लो तो और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज, ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से टच करते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम याद रखो तो और भी बेहतर हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं यूपी से कितने बॉर्डर हैं जो बिहार में टच करते हैं। जैसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री नेपाल भी तो आपका वेस्ट चंपारण है, और यूपी से जो बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी बॉर्डर से टच करते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी बॉर्डर से टच करते हैं। देखिए उसमें आपका नाम है आपका रोहतास है, जो कि सबसे कम टच करता है आपका नेपाल, सॉरी उत्तर प्रदेश से। रोहतास जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, सबसे कम टच करता है बाउंड्री उत्तर प्रदेश से। रोहतास है आपका कैमूर, भभुआ जिसको बोलते हैं, बक्सर, आरा है, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, आप नेम व याद रखो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, जो यूपी से आपके बाउंड्री टच करते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो आपका है यूपी से बिहार का, वो आपका वेस्ट चंपारण ही टच करता है। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री आपका वेस्ट चंपारण। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड से कि झारखंड से बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। तो आपके ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो झारखंड से टच करता है आपका। 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं जो झारखंड से टच करते हैं, से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार, ये आपका झारखंड से टच करता है। अगर लॉन्गेस्ट बाउंड्री है तो आपका गया डिस्ट्रिक्ट है, कि गया डिस्ट्रिक्ट जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो कि झारखंड स्टेट से टच करता है। और सबसे शॉर्टेस्ट है तो आपका हो जाएगा कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार डिस्ट्रिक्ट है जो ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री टच करता है आपका झारखंड स्टेट से। ठीक है, अब नाम याद रख लो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं कि बंगाल डिस्ट्रिक्ट से बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट बंगाल स्टेट से आपका टच करता है। तो बंगाल डिस्ट्रिक्ट से, बंगाल स्टेट से जो है बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। एक है आपका किशनगंज, एक किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है।
थ्री डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के टच करते हैं आपके वेस्ट बंगाल से। लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो आपका कटिहार का है, कटिहार का लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वेस्ट बंगाल से टच करता है। और सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो आपका पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जियोग्राफिकल थे बिहार के जो बाउंड्रीज थे, सिर्फ कितने कितने कौन टच करता है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया था कि पटना से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, इसे देख लीजिए। सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है आपका, लखीसराय है, उसके बाद नालंदा है, उसके बाद आपका गया है, उसके बाद अरवल है यानी भोजपुर है। तो ये जो सेंटर है आपका कैपिटल, तो इसके जो बाउंड्री हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे बिहार में जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, कौन सा रॉक्स कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मेजर रॉक्स हैं जो बिहार में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बार आप मेमोराइज कर लेना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका बिहार में कहाँ पड़ता है, ताकि आपको इसे और आसान हो जाए बिहार की ज्योग्राफी मेजरमेंट करने में, ठीक है। ठीक है, बिहार में फोर मेजर रॉक्स हैं। एक है क्वार्टरनरी रॉक्स, धरवार रॉक्स, विंध्यान रॉक्स एंड टर्शियरी रॉक्स, ठीक है। ये आपका हो गया धरवार रॉक्स, धरवार ये जो हो गया आपका, ये धरवार रॉक्स है। तो धरवार रॉक्स जो है ये आपका फाउंड किया जाता है, पाया जाता है आपका से मुंगेर, जमुई, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। मुंगेर, जमुई और नवादा के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ ये पाया जाता है आपका धरवार रॉक, जो नीचे वाला आपका साउथ वाला एरिया में आपका धरवार रॉक्स पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिर ये आपका ये क्वार्टरनरी रॉक्स। तो जो क्वार्टरनरी रॉक्स है ये आपका पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेटू जो होगी आपका वहाँ पाया जाएगा, ठीक है। हिमालय जो ट्राई रीजन होता है आपका, ये वहाँ ये पाया जाता है आपका ये। क्वार्टरनरी रॉक्स तो आप लोकेशन याद कर लो, कौन कौन से रॉक कहाँ पाए जाते हैं, उसके बाद फिर नीचे में पूरा डिटेल्स मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। धरवार रॉक्स हैं, धरवार रॉक्स जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है दे आर इक्विवेलेंट इन एज विद द आर्कियन रॉक्स, ठीक है। फोन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द बिहार, जो धरवार रॉक्स है ये साउथर्न पार्ट में पाए जाते हैं बिहार के, जैसे मुंगेर, जमुई एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट में धरवार रॉक्स है। रीजन इज डोमिनेटेड बाई द मीका एंड स्किट्स, जो मीका और स्किट्स हैं मेजरली यहाँ इसी रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे क्वार्ज़ाइट हो गए, फाइलाइट, नेसिस, स्किस्ट एंड स्लेट, ये कुछ है यहाँ के जो पाए जाते हैं यहाँ, जो जो रॉक्स टाइप के हैं ये यहाँ पाए जाते हैं धरवार रॉक्स में, ठीक है। तो धरवार रॉक्स आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये साउथर्न रीजन में, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप याद रखो। उसके बाद फिर आपका आता है विंध्यान रॉक्स। विंध्यान रॉक्स जो है हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं, ठीक है। ये फाउंड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, बिहार के साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये पाया जाता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। आपका ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका पाया जाता है विंध्यान रॉक्स। ये जो एरिया आता है आपका ये रोहतास का एरिया, ये पाया जाता है आपका ही विंध्यान रॉक्स। सोन वैली और रोहतास कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये यहाँ आपके विंध्यान रॉक्स मिल जाएंगे। ये यूज़फुल होते हैं बिल्डिंग पर्पज़ के लिए। किसके लिए यूज़फुल होता है, ये बिल्डिंग पर्पज़ के लिए विंध्यान रॉक्स यूज होता है। जैसे उसके एग्जाम्पल है विंध्यान रॉक्स से सैंडस्टोन, क्वार्ज़ाइट, डोलोमाइट, शेल एंड लाइमस्टोन। तो ये विंध्यान रॉक्स में
और आपके ये लोकेशन याद करना है, सोन वैली एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि ये रॉक्स बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके बाद है आपका टर्शियरी रॉक्स फॉर्म बाय द रैपिंग ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट इन द टेथाइस सी बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट में ये रॉक्स पाया जाता था, ठीक है। इनका जो लोकेशन है फॉन्ड इन द हिमालय तराई रीजन, हिमालय तराई रीजन आपका वेस्ट चंपारण का एरिया हो जाएगा। ये जो रॉक्स हैं आपके ये आपका यहाँ ये आपका पाया जाता है टर्शियरी रॉक्स, हिमालय तराई रीजन यही बोला जाता है बिहार का। तो टर्शियरी बिहार में बहुत ही कम है, तो आपका ये इसी जोन में पाया जाता है आपका वेस्ट चंपारण में, ठीक है। हिमालय एंड तराई रीजन में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वार्टरनरी रॉक्स की, ठीक है। फॉर्म इन द प्लीस्टोन्स एंड रिसेंट पीरियड्स का रीजन, फॉर्म द डाउन रैप सेक्शन बिटवीन द हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेटू, हिमालय और छोटा नागपुर प्लेटू के बीच में ये क्वार्टरनरी रॉक्स पाया जाता है। ये जो रॉक्स हैं जितने ये सभी आपके इसी रीजन में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका क्वार्टरनरी रॉक्स यहाँ पाया जाता है बिहार में। कौन सा रॉक्स पाया जाता है? क्वार्टरनरी रॉक्स। इसका लोकेशन आपका यह है कि हिमालय को जो नीचे वाला एरिया है, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू तक ही है, कंप्लीट क्वार्टरनरी रॉक्स यहाँ पाया जाता है। उस रॉक्स में जो माइंस हैं इसके जो पाए जाने वाले एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम कॉन्ग्लोमरेट एंड कोर्स ग्रेवल्स, इसी यहाँ इसमें पाए जाते हैं इस रॉक में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको रॉक्स के बारे में कि कौन सा रॉक्स किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं एंड कौन सा जो इससे रिलेटेड है एग्जांपल वगैरह ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ये मोस्टली क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। उससे कुछ फिजियोग्राफी है डिवीज़न ऑफ बिहार के, उसके बारे में आपको मैप दिखा देता हूँ। यहाँ ये आपका बेतिया प्लेन हो जाएगा, मोतिहारी प्लेन है, मधुबनी प्लेन है, सहरसा प्लेन, अररिया प्लेन एंड महानंदा प्लेन, नॉर्थ बिहार प्लेन है या साउथ बिहार प्लेन है। तो आप ये बेसिक चीज़ अगर मैप आपको सही से समझ में आ जाता है तो ज्योग्राफी आपका 50% सॉल्यूशन यही हो जाता है आपका। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद रखोगे तो ये प्लेन भी आपका याद हो जाएगा कि कौन प्लेन कहाँ पाया जाता है। ये राजमहल हिल्स जो कि बहुत ही फेमस हिल्स है, तो आपका यहाँ ये इस जोन में पाया जाता है। राजगीर हिल्स का यहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ईर हिल्स यहाँ पाया जाता है, कलमूर हिल्स आपका यहाँ, कैमूर हिल्स आपका यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आप हिल्स कुछ मेजरली आप याद रखो ताकि क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक वाइज क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवर हैं कि रिवर से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के रिवर से, तो रिवर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा रिवर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होके जाता है आपका, ठीक है। देखिए बूढ़ी गंडक है ये आपका वेस्ट चंपारण से यहाँ से निकलता है, वो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए आपका ये फिर यहाँ मुंगेर में गंगा नदी में आके मिल जाता है आपका बूढ़ी गंडक, ये कंप्लीट रिवर है आपका बूढ़ी गंडक, ठीक है। एक और रिवर है गंडक जो कि भी वेस्ट चंपारण से ही है, योग गंडक ये भी आपका वेस्ट चंपारण से, ये भी मोतिहारी मुजफ्फरपुर एंड हाजीपुर में आकर ये गंगा में मिल जाता है। तो ये सब रिवर जो है वो गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। ठीक है, ये घाघरा रिवर है जो उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में यहाँ है आपका छपरा से गंगा में टच कर जाती है, ये छपरा होते हुए, ठीक है। उसके बाद कोई भागीरथी रिवर है, ये भी आपका मतलब नेपाल से आती है और सीतामढ़ी एंड शिवहर होते हुए ये बागमती रिवर, वो भी आके यहाँ आपका बूढ़ी गंडक में मिलती है, उसके बाद फिर ये मुंगेर में आकर मिल जाती है।
तो आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा रिवर किस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कहाँ कहाँ वो मिल रही है। ठीक है, एक करचा रिवर है, करचा ये भी है, कोसी है क्योंकि बिहार का इसको शोक नदी के नाम से जाना जाता है, वो भी आपका कहाँ से सुपौल सहरसा होते हुए आपका ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आकर ये मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये महानंदा रिवर है जो कि ये सबसे नॉर्थ ईस्ट बिहार में आता है, ये जो किशनगंज होते हुए आपका ये कटिहार से भी आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये सब नॉर्थ की रिवर है। आप ऐसे भी याद रखो कि कौन से रिवर नॉर्थ में है, कौन से रिवर साउथ में है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक सोन रिवर है क्योंकि ये भी आपका आता है कहाँ से, सासाराम अरवल उसके बाद पटना होते हुए आरा होते हुए जाती है आपका गंगा में, ये सोन रिवर है। पुनपुन रिवर है भी आपका औरंगाबाद होते हुए जहानाबाद होते हुए आपका मिल जाती है यहाँ पर गंगा में। यहाँ फल्गु रिवर है जो कि गया और गया से निकलती है, ये गया से होते हुए आपका जहानाबाद होते हुए भी आपकी गंगा में मिलती है। ये एक है धाधर रिवर, धाधर रिवर भी झारखंड से होते हुए आती है ये, उसके बाद ये फिर गया और बिहार शरीफ में होते हुए ये फिर लखीसराय होते हुए भी ये आपका मुंगेर में ये मिलती है। यहाँ के पर बदुआ रिवर ये भागलपुर में मिलती है बांका और जमुई के। ठीक है, तो ये रिवर सिस्टम आप याद रखो, बेसिक इतना याद रखो कि कौन से रिवर कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करते हुए आ रही है, कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में है। अब मोस्टली रिवर सर आपको गंगा में ही मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कुछ जियोग्राफिकल पॉइंट हैं वो आप बिहार का याद रखो। सर बिहार जो इसका जो लेटीट्यूड है लैंगिट्यूड है वो आपका ये दिया हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड नॉर्थ में है एंड 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है आपका ये। उसके बाद फिर आपका लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड एंड ये लॉन्गिट्यूड है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, बिहार का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है आपका 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये आपका जियोग्राफिकल एरिया हो गया बिहार का। धरवार रॉक्स आर फाउंड इन मुंगेर, धरवार रॉक्स है कहाँ मिलता है आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। विंध्यान रॉक्स आर फाउंड बिटवीन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है विंध्यान रॉक्स। टर्शरी रॉक्स फाउंड बिटवीन द हिमालय तराई रीजन ऑफ बिहार, टर्शरी जो कि बहुत ही कम रिवर मतलब ये रॉक्स पाए जाते हैं बिहार में, ये आपका हिमालय के तराई रीजन में पाया जाता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ रामनगर दून इज नियर सांतपुर में है, हाइएस्ट पीक ऑफ रामनगर दून कहाँ है आपका, यह सांतपुर में है, 238 मीटर है ये। द सोमेश्वर फोर्ट ऑन सोमेश्वर रेंज, जो सोमेश्वर फोर्ट है सोमेश्वर रेंज में कितना है 8,774 मीटर हाइट है इसकी एंड द हाइएस्ट प्लेस इन बिहार, ये बिहार में आपका हाइएस्ट प्लेस माना जाता है सोमेश्वर इन सोमेश्वर फोर्ट में। ठीक है, हर्षा वैली इज ऑल्सो नोन एज दून वैली, हर्षा वैली को हम लोग दून वैली के नाम से भी जानते हैं। जो नॉर्थ गंगा प्लेन है वह स्प्रीड है फैला हुआ है होल ऑफ तिरहुत सारण दरभंगा एंड कोसी डिवीज़न में, नॉर्थ गंगा प्लेन आप फैला हुआ है पूरा तिरहुत सारण दरभंगा एंड कोसी के डिवीज़न में है। द ताल रीजन, जो ताल रीजन है इट्स करेक्टरिस्टिक ऑफ साउथ गंगा में है, प्लेन इज अ लो लाइंग रीजन फिल्ड विद द वाटर रेनी सीजन में है, ये कंप्लीट रेनी सीजन का है आपका ये साउथ ताल रीजन। ठीक है, उसके बाद कुछ एमसीक्यू हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर फॉर्म द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, कौन सा ऐसा फिजिकल फीचर है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपको बिहार में बनाता है, सोमेश्वर रेंज कैमूर प्लेटू नवादा हिल्स एंड राजगीर हिल्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका सोमेश्वर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बिहार कैमूर सीरीज ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कैमूर सीरीज का जो रॉक्स है किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है,
भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर एंड कैमूर। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट। जोग्राफिकली साउथर्न प्लेटू ऑफ बिहार वाज फॉर्म इन द पीरियड, जो साउथर्न प्लेटू ऑफ बिहार का है वो किस पीरियड में बना था? प्री कैम्ब्रियन, ओलिगोजेंस, ओलिगोसीन एंड मियोसीन एंड प्लिस्टोसीन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है आपका ये हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन में हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, मीका जो होता है आपका डिपॉजिट आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक्स, किस काइंड के रॉक में ये आपका मीका पाया जाता है? धरवार, टर्शियरी, विंध्यान एंड क्वार्टरनरी। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा। अभी मीका जो है वो धरवार रॉक में पाया जाता है। हाइएस्ट प्लेस इन बिहार इज सांतपुर, कैमूर हिल्स, सोमेश्वर रेंज एंड बराबर हिल्स। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा आपका, सोमेश्वर रेंज, ये हाईएस्ट है आपका। इन विच पीरियड वाज रामनगर दून फॉर्म्ड, जो रामनगर दून है किस पीरियड में बना था? ऑप्शन है धरवार, क्वार्टरनरी, विंध्यान एंड टर्शियरी। तो 6th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, टर्शियरी। बिहार हैज़ अ मैक्सिमम एरियल एक्सटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स में है? ये आपको हो जाएगा तराई रीजन ऑफ शिवालिक, नॉर्थन, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन एंड साउथ गंगेटिक प्लेन एंड नन ऑफ द एबव। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में है ये आपका। चुआर्स है ये आपका फाउंड इन बिहार प्लेन, कहाँ पाया जाता है चुआर? फ्लडेड प्लेन, लीविज, ऑक्सबो लेक एंड हाईलैंड्स में। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सबो लेक्स में पाया जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जिनेसिस क्वार्साइट एंड अस्किस्ट रॉक्स आपका फाउंड किया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में यह पाया जाता है? मुंगेर, गया, शेखपुरा एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो 9th का जो करेक्ट आंसर आपका मुंगेर हो जाएगा ये। ठीक है, द तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, जो तराई रीजन है बिहार का ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपका फैला हुआ है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, बोथ ए एंड बी एंड डी नाइदर ऑफ ए नॉर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण दोनों में ही आपका पाया जाता है आपका तराई रीजन। ठीक है, बिहार स्टैंड्स एट विच पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया, एरिया वाइज में अगर देखा जाए तो बिहार कौन से पोजिशन पर स्टैंड्स करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा, 12th पोजिशन। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कंप्रिजेस, जो आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया के उसमें बिहार का क्या है, कितना मतलब ये आपका कंट्रीब्यूशन है टोटल एरिया का? 3.76, 6.76, 4.02 एंड 2.86। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.86। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कहीं कहीं जगह पर आपका जो पोजीशन दिया हुआ है वो 13th दिया हुआ है, लेकिन इस बुक में जो पोजीशन दिया हुआ है आपका आंसर जो दिया हुआ है वो 12th दिया हुआ है आपका, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुछ है आपके आंसर जैसे तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था उस हिसाब से बिहार का जो पोजीशन आ जाता है वो 13th आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, बिहार का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है?
आपको ऑप्शन इसके जो करेक्ट हो जाएंगे वो बी करेक्ट हो सकते हैं, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ विच कंट्री, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल, नेपाल से ही आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है बिहार का। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ नेपाल, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लॉन्गेस्ट बाउंड्री है नेपाल से, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज एंड ईस्ट चंपारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ठीक है। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ रामनगर धुन इज, जो रामनगर धुन का जो हाइएस्ट पार्ट कौन सा है, सोमेश्वर फोर्ट, संतपुर, कृतकूट एंड बराबर। तो 16th का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी संतपुर। द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो बिहार का जो लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट इज 483 किलोमीटर, 362 किलोमीटर, 401 किलोमीटर एंड 415 किलोमीटर। तो 17th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 483 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, विंध्या रॉक्स एलुवियम है, क्वार्टरिन रॉक्स फाइलेट एंड क्वार्टजाइट हैं, धरवार रॉक्स जिनसिस एंड स्किस्ट है, टर्शियरी रॉक्स में आपका लाइमस्टोन एंड शेल है, इनमें से कौन सा आपका पेयर करेक्ट है। तो 18th का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, धरवार रॉक्स जिनसिस एंड स्किस्ट है, बाकी सब ही रॉन्ग ये करेक्ट है। सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन द एरिया ऑफ, सोमेश्वर रेंज जो है किस एरिया में लोकेटेड है, साउथ गंगा प्लेन, नॉर्थ गंगा प्लेन, साउथर्न प्लेटू रीजन एंड तेराई रीजन। तो 19th का जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा, तेराई रीजन में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ गंगा प्लेन इज फाउंड बाय द, नॉर्थ गंगा प्लेन कैसे बना है, एलुवियल डिपॉजिट ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एलुवियल डिपॉजिट ऑफ गंगा एंड सोन, एलुवियल डिपॉजिट ऑफ सोन एंड कोसी, एलुवियल डिपॉजिट ऑफ घाघरा एंड गंडक। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरी। हर्षा वैली विच इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न बिहार इज ऑल्सो नोन एज, जो हर्षा वैली है लोकेटेड आपका नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में, इसका दूसरा नाम क्या है, रामनगर धून, धून वैली, सोमेश्वर रेंज एंड नन ऑफ द एबव। तो 21 का जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, धून वैली इसको बोलते हैं। व्हाट इज द पर किलोमीटर एवरेज स्लोप ऑफ गंगा प्लेन, गंगा प्लेन का जो पर किलोमीटर एवरेज स्लोप कितना है, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो 22 का जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। द सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जो सोमेश्वर रेंज है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण एंड सिवान। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वेस्ट चंपारण में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, कौन सा रेंज है इंडिया और नेपाल के बाउंड्री में, कैमूर हिल्स, रामनगर धून, सोमेश्वर रेंज एंड नॉन ऑफ द एबव। 24th का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, सोमेश्वर रेंज है जो आपका नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस, कैमूर हिल साउथ वेस्ट बिहार में है, विंध्या रेंज साउथ ईस्ट बिहार में है, क्वार्टरनरी बिहार प्लेन में है एंड टर्शियरी हिमालय में। तो रिपोर्ट्स हैं आपके ये 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 एंड 4 करेक्ट है, क्वार्टरनरी आपका बिहार प्लेन में है एंड टर्शियरी आपका हिमालय रेंज में है। तो ये आज का ये जियोग्राफी था, ठीक है, और इसके बारे में और भी हैं, इसके माइंस हैं,
सॉइल्स हैं इसके बारे में और ये जो जियोग्राफी है बिहार के उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है इसका कि जो बिहार जो पटना जो डिस्ट्रिक्ट है जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट से आपका बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पटना अपना बाउंड्री शेयर करता है, सबसे ज़्यादा नालंदा डिस्ट्रिक्ट से वो शेयर करता है, ठीक है। और सबसे कम जो शेयर करता है वो आपका लखीसराय से करता है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।